हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और लेक्चर में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कितने टाइप की टेप होती है जो सर्वे में यूज़ होती है। चलो आइए शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मली सर्वे में चार टाइप की टेप यूज़ होती है, लाइनिंग टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवर्ट टेप। तो जो चार टाइप की टेप यूज़ होती है सर्वे में, तो आइए देखते हैं लाइनिंग टेप किस चीज़ से बनी होती है और कितनी लंबी होती है और क्या यूज़ होता है इसका। लाइनिंग टेप जो बनी होती है वो लाइनिंग क्लॉथ की बनी होती है। अभी आपको एक फोटो दिखेगी स्क्रीन पे, लाइनिंग क्लॉथ कैसा होता है अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए। इसकी जो विड्थ होती है, मतलब ये टेप होती है, ये ऐसे टेप होती है जो, ये टेप आपको पता होगा, तो उसकी जो ये विड्थ होगी वो होती है 12 to 15 mm। इसकी जो लेंथ होती है 15 to 20 मीटर की होती है, तो इसकी जो लंबाई होगी 15 to 20 मीटर में मिल जाती है, 15 मीटर में मिल जाती है। और ये जो यूज होती है नॉर्मल सर्वे वर्क में या फिर नॉर्मल पर्पस में भी यूज की जाती है ये वाली टेप। और अगर आपने टेप देखी नहीं है तो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। अगली टेप कौन सी? अगली टेप है मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप जो होती है वो नॉर्मली ब्रास और कॉपर से बनी होती है और ये अवेलेबल होती है 10, 20, 30 मीटर लेंथ में भी। और इसका जो यूज होती है लगभग सब सर्वे वर्क में यूज होती है मेटेलिक टेप। और देखी होगी आपने, नहीं देखे तो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। अगली जो टेप है वो है स्टील टेप। स्टील टेप जो है वो स्टील बैंड से बनी होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 6 to 16 mm की होती है। मतलब जो विड्थ होती है ये 6 to 16 mm की होती है और जो लंबाई होती है वो 10, 20, 15, 30, 50 मीटर तक की भी इसकी लेंथ हो सकती है। मतलब इतनी लंबी लंबी चेन भी इसकी स्टील की बनी होती है। जनरली जो ये यूज होती है जहाँ हाई एक्यूरेसी जहाँ जरूरत होती है वहाँ स्टील टेप यूज की जाती है। स्टील टेप की फोटो आपको स्क्रीन पे जाएगी कैसी दिखती है। अगली कौन सी है? लास्ट जो है वो इनवर्ट टेप। इनवर्ट टेप जो है वो बनी होती है 64% स्टील और 36% निकल। मतलब इसमें 64% जो होता है वो स्टील होता है और 36% जो होता है निकल होता है। तो मतलब इन दो से बनी होती है, तो इन दो को जब मिक्सर से बनती है तो उसे हम एलॉय बोलते हैं। मतलब जब कुछ ज्यादा मेटल एक साथ मिले होते हैं उसे एलॉय बोलते हैं। तो दिस एलॉय है वेरी लो कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन। मतलब ये, हाँ, जैसे ये टेप है एक्सपेंशन, मतलब ये टेम्परेचर की वजह से, जैसे टेम्परेचर की वजह से या फिर एटमोसफेयर की वजह से इसमें एक्सपेंशन, मतलब ये टेप जो होती है अपने साइज से बढ़ेगी नहीं, एरर कम आएंगे इसलिए। और ये भी जो होती है हाई एक्यूरेसी के लिए यूज होगी ये वाली टेप भी, और अवेलेबल होती है 20, 30, 50 मीटर इन लेंथ में। इसकी फोटो आपको अभी स्क्रीन पे जाइए कैसी दिखती है। आज के लेक्चर में इतने, अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे टेप और चेन कनेक्शन के ऊपर, जो सैग की वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से होती है, पुल की वजह से होती है, इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर।